सो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग खेलने नहीं जा रहे गाइस, आज हम लोग करेंगे भाई नया टॉपिक। भाई माइनक्राफ्ट को फेंको साइड में, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं ना, आज हम लोग भाई रिडल्स सॉल्व करेंगे, मतलब कि पहेली सॉल्व करेंगे गाइस। चलो यार अभी OBS से हटते हैं और थोड़ा यूट्यूब पे आते हैं। चलो भाई फर्स्ट पहेली अपनी आ चुकी है। कैलाश गोवा जाने का प्लान करता है और एक बस की टिकट बुक कर लेता है। जब वो बस स्टैंड पहुंचता है तब उसे याद आता है कि वो टिकट लाना तो भूल ही गया और उसे बस नंबर भी याद नहीं था। कैलाश के सामने तीन बस खड़ी है, तीनों सेम टाइम पे निकलने वाली है। इन तीनों बस को देख के कैलाश को पहचानना है कि उसकी गोवा वाली बस कौन सी है। क्या आप कैलाश की मदद कर सकते हैं? ध्यान से देखिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लव्स, बूट्स और ये सब रखा है गाइस, मतलब ये कुछ है यहाँ पे, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ पे अगर आप जूते देखोगे तो मुझे लग रहा है यार ये आइस स्केटिंग टाइप का लग रहा है। और ग्लव्स भी हम मतलब वहाँ पे नहीं पहनते, अरे भाई पहनते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मतलब वो ताजमहल की फोटो सी बन रखी है, तो ये भी नहीं है। तो मुझे क्या लग रहा है कि थर्ड नंबर की बस है, ठीक है थर्ड नंबर वाली। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहली वाली बस में गुजरात का अक्षरधाम मंदिर बना हुआ है, मतलब ये सॉरी गाइस मैंने ढंग से देखा नहीं, वो गुजरात का अक्षरधाम मंदिर है, सॉरी। बस गुजरात जा रही है। दूसरे बस में ठंड के कपड़े और ग्लव्स पड़े हुए हैं, मतलब ये बस कोई पहाड़ी वाली जगह पे जा रही है। और कैलाश को तो गोवा जाना है, मतलब ये भी गलत बस है। तो सही बस तीसरी वाली है। देखा गाइस दिमाग बहुत तेज है मेरा, ठीक है ये भैया मैंने पहले कर लिया था तीन। कैलाश मस्त बस में जाके बैठ जाता है। इतनी मस्त पहेली के लिए जल्दी चलिएगा 422 रूट सके हुए रूम को ध्यान है। मैंने आप इस रूम को ध्यान से देखिए और बताएं बाहर जाने के लिए कोड क्या होगा। ध्यान से देखिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। इस रूम में जाने के लिए कोड 4 डिजिट का है। अच्छा मुझे लगता है यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे कलर दे रखे हैं और यहाँ पे उन्हीं कलर के फ्रूट्स भी है, मतलब कि रेड मतलब एप्पल, पिंक मतलब इसके पीछे स्ट्रॉबेरी है वो है, और येलो मतलब मैंगो सीधी सी बात है, और अपना ग्रीन मतलब वाटरमेलन। तो मुझे क्या लगता है ग्रीन रेड मतलब एप्पल तो हुआ ए न। अब अगर आप कॉलिंग उसमें जाते हो और आप नम पैड पे देखते हो तो 1 पे ABC लिखा होता है, ऐसा होता है ठीक है। तो ए फॉर एप्पल का मतलब 1 या 2 या 3 जो भी हो सकता है, 1 ही होगा मुझे लगता है। और फिर ग्रीन छोड़ो यार डोर के ऊपर के कलर्स के ऑर्डर को ध्यान से देखिए। उसी कलर्स में रूम में फ्रूट्स रखे हुए हैं। रेड कलर के 4 फ्रूट्स हैं। ग्रीन ओ भाई मैं इतना दिमाग खराब करने लग गया भाई, इतना सिंपल है। पिंक के 2 है, पिंक के 2 और येलो के 3, तो कोड हो जाएगा 4223। जैसे ही मैंने ये कोड प्रेस किया डोर ओपन हो गया। आप भी डाउनलोड कर लीजिए द 4 डिजिट कोड 132 डोर्स है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ पूरे 132 डोर्स क्रॉस कर इसके पास आते हैं। अगली पहली देखते हैं। एक वैम्पायर कपल पुलिस के पास आते हैं और पुलिस ऑफिसर को बोलते हैं हमारी मदद कीजिए, किसी ने हमारे बेटे को किडनैप कर लिया है।
एम्पायर का कोई बेटा भी होता है। पुलिस रास्ते के कैमरे की रिकॉर्डिंग्स चेक करते हैं तो पुलिस को तीन लोगों पे शक जाता है। क्या आप इन तीनों लोगों को देख के बता सकते हैं वैम्पायर के बेबी को किसने किडनैप किया होगा? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। सीधी सी बात है, ये आइसक्रीम वाला नहीं तो ये जोकर, दो में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। वैम्पायर्स को कैंडीज और बलून में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उन्हें तो खून में इंटरेस्ट होता है। और इस लेडी के पास ब्लड है, मतलब इसी ने किडनैप किया होगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। अबे यार, इतना दिमाग में चलाया नहीं, मुझे लग रहा था ये कोई दवाई है। अबे यार, मैडम कपूर करोड़ों की जायदाद की मालकिन है, लेकिन उनको लगता है उनकी बेटी बड़ी बेवकूफ है। इसलिए मैडम कपूर ने उनकी वसीयत में कुछ कंडीशंस रखी है करीना की टेस्ट लेने के लिए। अगर उनकी बेटी ने ये टेस्ट पार कर लिया तो उसे सारी जायदाद मिल जाएगी। मैडम कपूर ने करीना को तीन लेटर दिए, जिनमें एक लेटर में करोड़ों रुपए का चेक है। हर लेटर के ऊपर एक मैसेज लिखा हुआ है, दो मैसेज गलत है और एक मैसेज सही है। अब करीना को चुनना है कि कौन से लेटर में वो चेक है। करीना को बस एक मौका मिलेगा लेटर चूज करने का। अगर करीना ने सही लेटर चुन लिया तो उसे वो करोड़ों रुपए मिल जाएंगे। पहले लेटर पे लिखा है चेक यहाँ नहीं है, दूसरे पे लिखा है चेक यहाँ है, और तीसरे पे लिखा है चेक सेकेंड वाले में नहीं है। कौन सा लेटर चुनेंगी करीना? थर्ड वाला। क्या आप सोच के बता सकते हैं करीना को कौन सा लेटर चुनना चाहिए? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर चेक फर्स्ट वाले लेटर में है तो फर्स्ट पे लिखा है लेटर यहां नहीं है, झूठ। सेकेंड पे लिखा है लेटर यहां है, झूठ। तीसरे पे लिखा है लेटर सेकेंड में नहीं है, सच। दो झूठ और एक सच, मतलब चेक फर्स्ट वाले लेटर में ही है। आप इसी तरह बाकी लेटर्स को भी चेक कर सकते हैं वेरीफाई करने के लिए। करीना लेटर पहचान लेती है और उसे करोड़ों का चेक मिल जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। राजू को एक सीरियल किलर किडनैप कर लेता है। किलर को गेम्स खेलना बहुत पसंद है। वो उसके सारे विक्टिम्स के साथ एक गेम खेलता है। इस बार वो राजू के साथ खेलता है। उसके सामने वो तीन कुकीज रख देता है और अबे भाई साहब, ये तीन कुकीज है क्या? ये एक में तो मधुमक्खी लगी है, एक में क्या थूक लगा है, क्या पता, और एक तो भाई हिप्नोटाइज करने वाली है। और बोलता है तीनों में से सिर्फ एक कुकी ही अच्छी है, बाकी दोनों कुकी में जहर है। अगर तुमने अबे भाई जहर किधर है? एक में मधुमक्खी, एक में मतलब जहर हो सकता है। जहर वाली कुकी खा ली तो तुम मर जाओगे। बताओ कौन सी कुकी खाना पसंद करोगे? राजू सोच में पड़ जाता है। अब क्या करे, कैसे बचे इस सीरियल किलर से? क्या आप राजू की मदद कर सकते हैं कुकी सिलेक्ट करने में? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। पहली वाली कुकी तो कीड़ा खाके भी मर गया, मतलब ये जहर वाली कुकी है। अबे भाई कीड़ा खाके मर गया, इतना बोले तो हमको कैसे पता चलेगा वो कीड़ा खाके मर गए? वो तो हमको तो लग रहा है वो बैठा हुआ है उधर। मतलब इसमें भी जहर हो सकता है। दूसरी कुकी हल्की सी गीली और सड़ी हुई लग रही है, मतलब इसमें भी जहर हो सकता है। राजू तीसरी वाली कुकी खाता है और सीरियल किलर से, मतलब इस सीरियल किलर से बच के निकल जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मैंने पहले ही कहा था तीसरी वाली। एक साइंटिस्ट के लैब में चोरी हो जाती है। उसकी सालों की मेहनत से बनाया हुआ सीक्रेट फॉर्मूला चोरी हो जाता है। वो केस को सॉल्व करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल को बुलाता है। ओ भाई मेहुल, सब आए हैं, डिटेक्टिव मेहुल, भैया चलो। वो मेहुल को बताता है कि लैब की लाइट चले गई थी
मैं कैंडल लेने के लिए गया तभी डोरबेल बजी। मैंने गेट खोला तो एक आदमी नकाब पहने खड़ा था। मुझे उसने बंदूक दिखाया और मेरा फॉर्मल। आदमी नकाब लेने के लिए गया तो मेहुल को मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं बताता है कि लैब की लाइट चले गई थी। मैं कैंडल लेने के लिए गया तभी डोरबेल बजी। मैंने गेट खोला तो एक आदमी नकाब पहने खड़ा था। मुझे उसने बंदूक दिखाया और मेरा फॉर्मूला लेके चला गया। मेहुल ध्यान से उसकी बातें सुनता है और आसपास की चीजों को देखता है और समझ जाता है कि साइंटिस्ट झूठ बोल रहा था। कैसे? मेहुल को कैसे समझता है कि साइंटिस्ट झूठ बोल रहा था? क्या आप बता सकते हैं? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। अरे यार, गेट के बाहर तो कुछ नहीं है ना। अरे भाई छोर, कुछ है तो बता दे। मेहुल ध्यान से उसकी बातें सुनता है और आसपास की चीजों को देखता है और समझ जाता है कि साइंटिस्ट झूठ बोल रहा था। आंसर देखने से पहले अगर देखो भाई, कोई साइंटिस्ट है तो उसके पास बड़ी सी टेबल होगी, इतने सारे वो मतलब गैजेट्स होंगे वो वगैरह वगैरह टेस्टिंग के लिए, ठीक है ना। तो वो आप पे कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब ये झूठ है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। साइंटिस्ट बोलता है कि घर की लाइट चले गई थी, तो फिर डोरबेल कैसे बजी? मतलब साइंटिस्ट झूठ बोल रहा था और उसी से मेहुल पे उस पे शक गया। चलिए अगली। बाप रे बाप, क्या चीज है बे? आईक्यू लेवल 2000। अगली पहेली देखते हैं। ऐड आ गई क्या करे? Do you ever feel like you're being watched? You are. The browser you're using is allowing your behavior to be एक साइक्लिस्ट के पास तीन टायर्स है। हर एक टायर 20 किलोमीटर चल सकता है। उसके बाद टायर खराब हो जाएगा। तो क्या आप बता सकते हैं साइक्लिस्ट इन तीनों टायर को यूज करके मैक्सिमम कितना किलोमीटर चल सकता है? 6 किलोमीटर। आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहले मैं 10 किलोमीटर जाऊंगा दो टायर से, तो दोनों टायर्स का 10-10 किलोमीटर हो जाएगा। फिर मैं सामने वाले टायर को चेंज कर दूंगा। अब मैं वापस 10 किलोमीटर जाऊंगा, तो टोटल हो गए 20 किलोमीटर। सामने वाले टायर्स के 10 किलोमीटर हो गए, लेकिन पीछे वाले टायर्स के तो 20 किलोमीटर हो गए। अब मैं उसको तीसरे टायर से रिप्लेस कर दूंगा जो 10 किलोमीटर चल चुका था। अब मैं वापस 10 किलोमीटर जा सकता हूँ, तो टोटल हो गए 30 किलोमीटर। चलिए अगली पहेली देखो। मैं वापस 10 किलोमीटर जाऊंगा, तो टोटल हो गए 20 किलोमीटर। सामने वाले टायर्स के 10 किलोमीटर हो गए, लेकिन पीछे वाले टायर। अब मैं ओहो, पहले भैया 10 किलोमीटर जाएंगे, आगे का टायर चेंज कर देंगे। मैं वापस 10 किलोमीटर जाऊंगा, नॉट ऑड वन, टोटल हो गए 30 किलोमीटर। चलिए अगली पहेली देखते हैं। क्या आप इन एस्ट्रोनॉट्स को देख के बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा एस्ट्रोनॉट ऑड वन आउट है? मतलब ये वाला सी वाला गाइस, इसके छाती पे देखो यार, लाल कलर का है ये भाई। जोगिंदर बन गया, इसके छाती पे मार मार के लाल कर ली इसने भाई। इन सब की ब्लू ब्लू है, इनकी लाल लाल है। वो पागल समझ रहे हैं, मतलब कौन सा एस्ट्रोनॉट अलग है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है एस्ट्रोनॉट सी। बाकी एस्ट्रोनॉट का सेंटर गोला ब्लू है, लेकिन इस एस्ट्रोनॉट का रेड है।
क्या आप इन बर्ड्स को देख के बता सकते हैं इनमें से कौन सा बर्ड ऑड मैन आउट है, मतलब बाकी बर्ड से अलग है? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। इसका आंसर है बर्ड एफ। अगर आप देखेंगे तो एक आर्क बर्ड एफ का मिसिंग है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। बच्चों की एग्जाम चल रही है, लेकिन एक मिनट, कोई तो चीटिंग कर रहा है। कौन चीटिंग कर रहा है? क्या आप ध्यान से देख के बता सकते हैं कौन चीटिंग कर रहा है? बी वाले भैया कर रहे हैं। उषा भैया बी वाले कर रहे हैं। ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। भाई ए वाला भी कर सकता है, ठीक है, ए वाला भी कर सकता है, टाइम होने के पहले। ज्यादा सब तो बी वाले पे जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बीच वाला लड़का अपनी शर्ट की बट मैंने कहा था ना बीच वाला कर रहा है, बटन ओपन करता है, हाथ में कुछ देखता है और फिर शर्ट का बटन बंद कर देता है। लगता है इसने हाथ में कुछ लिख रखा है, यही चीटिंग कर रहा है। दोस्तों चल ठीक है भाई, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो भाई लोगों, ठीक है ना, बाय 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 बाय।